सोफा कम बेड बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ना पुरानी साड़ी रखी हुई थी, उसमें से ये पीस मैंने कट कर लिया है। तो अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो उसका फैब्रिक अच्छा रहता है, मोटा होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप साड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें लाइनिंग भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही यूज कर रही हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आप सोफा कम बेड आसानी से घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्किंग। तो लेंथ लेंगे हम 47 इंच। वैसे हम इसकी लेंथ 45 इंच है और 2 इंच हमें इसके लिए मार्जिन के लिए रखना है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसकी विड्थ नाप लेंगे। तो इस तरह से इसकी विड्थ भी लेंगे हम 47 इंच। तो इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो 47 इंच हमें इसकी टोटल लेंथ लेनी है और विड्थ भी। तो हमारा जो ये पीस है इसको हम फोल्ड करके रखेंगे और सीधी साइड रखेंगे अंदर की साइड और उल्टी साइड हम बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। तो फोल्ड करके रखने के बाद अभी हमें इसके खुली वाली साइड दोनों ही साइड सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से खुली वाली साइड सिलाई लगानी है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने इसमें लगा ली है सिलाई, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो दोनों ही खुली वाली साइड हमने इसमें सिलाई लगा के इस पीस को तैयार कर लिया है। तो अभी हमें इसमें बॉक्सेस बनाने हैं। तो अभी हमें 15 यानी 15 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमने लगा लिया है। फिर से हमें 15 इंच पे निशान लगाना है। तो इंच टेप को फिर से इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। तो 15 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो अभी हमें सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन है हमने ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से ये 3 बॉक्सेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी ये लाइनें हमने ड्रॉ की है, इन पे हमें सीधे सीधे सिलाई लगा के इस पीस को तैयार करना है। तो इस तरह से ये 3 बॉक्सेस हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे हम। तो सीधे सीधे सिलाई लगा के इस पीस को हमने तैयार कर लिया है और इस तरह से ये 3 बॉक्सेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये 3 बॉक्सेस बना के तैयार किए हैं। अभी इन बॉक्सेस को हम फिल करेंगे। तो हमारे पास जो पुराने कपड़े रखे हुए थे उनसे हम इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। अगर आपके पास पुरानी कॉटन है या फिर फॉर्म वगैरह है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ये पुराने कपड़े रखे हुए थे मैं इनको इसमें 1x1 फिल कर लूंगी। अच्छे से हमें फिल करना है, कोई भी कोना छोड़ना नहीं है। तो अच्छे से हम इन 3 बॉक्सेस को फिल करेंगे। तो अगर आप इसमें पुराने कपड़े फिल करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं या फिर पुरानी कॉटन भी फिल कर सकते हैं। इससे आपका जो गद्दा है या मैट्रेस है या फिर फ्लोर सोफा है बहुत ही अच्छा और मजबूत बनके तैयार होगा। तो इस तरह से हमने इन 3 ही बॉक्सेस को फिल कर लिया है। तो अभी ये ओपन साइड है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें सीधे सीधे सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगा के इस पीस को तैयार करेंगे। तो अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सीधे सीधे इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है।
तो ओपन साइड हमने सिलाई लगा के इस पीस को तैयार कर लिया है। तो फाइनली ये बनके तैयार है। तो इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से आप गद्दा घर में बना सकते हैं। मैंने ये छोटे साइज का बनाया है, आप बिग साइज भी बना सकते हैं। तो इस तरह से पुराने कपड़ों का आप इस्तेमाल करके गद्दा बना सकते हैं। और अगर आपके पास पुरानी कॉटन है या फिर फॉर्म वगैरह है तो आप वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो गद्दा है और भी अच्छा और मजबूत बनके तैयार हो। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है, जिससे कि आप इस तरह से गद्दा घर में बना के रेडी कर सकते हैं। और बिग साइज गद्दा भी आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने छोटे साइज का बनाया है, आप बिग साइज भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये गद्दा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करने के बाद सोफे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सोफा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बिग साइज गद्दा भी बना सकते हैं और बिग साइज फ्लोर सोफा भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और फटे पुराने कपड़ों को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।